प्रोटीन युक्त शाकाहारी भोजन। दोस्तों, प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इससे ना सिर्फ हमारी सेहत अच्छी बनती है बल्कि हमारे बालों और त्वचा का भी पोषण होता है। अमूमन ऐसा माना जाता है कि सिर्फ जिम जाने वाले लोगों को प्रोटीन की जरूरत होती है, जबकि ये सच नहीं, क्योंकि जानकारों के अनुसार हमें हमारे प्रति किलो वजन के हिसाब से प्रति ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन से हैं वो फूड्स जिनसे आप अपने प्रोटीन की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। नंबर 10, पीनट्स। दोस्तों, शुरुआत करते हैं मूंगफली से, क्योंकि इसको एक बहुत ही अच्छे प्रोटीन रिच फूड के तौर पर देखा जाता है, और शायद यही कारण है कि भारत समेत दुनिया भर के एथलीट्स अपनी सेहत दुरुस्त रखने के लिए मूंगफली खाते हैं। शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो कि एक इंसान को अपने शरीर की प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए कम से कम 30 ग्राम मूंगफली खानी चाहिए, क्योंकि 30 ग्राम मूंगफली खाने से ही हमारे शरीर को लगभग 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इतना ही नहीं, इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो मूंगफली को प्रोटीन के लिए नहीं बल्कि हेल्दी फैट के लिए भी कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैसे अगर आप मूंगफली खाना नहीं चाहते तो इसकी जगह आप पीनट बटर खा सकते हैं। नंबर 9, सोया चंक्स। सोया चंक्स यानी कि सोयाबीन की बरी भले ही एक सस्ता फूड क्यों ना हो, पर सच्चाई तो यह है कि इससे आपको बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलता है, साथ ही साथ ये आपके वजन को भी कम रखती है। अगर कोई व्यक्ति हर वक्त सेहतमंद और प्रोटीन युक्त रहना चाहता है तो उसे कम से कम 50 ग्राम सोया चंक्स तो खाने चाहिए, क्योंकि तभी जाकर इससे आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। इन सभी फायदों के अलावा सोया चंक्स आपके दिल को भी स्वस्थ रखता है और आपको ब्रेस्ट कैंसर समेत कई अन्य बीमारियों से भी सुरक्षित रखने में मदद करता है। कई लोग कभी कभी इन्हें ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके हार्मोनल बैलेंस को भी बिगाड़ सकता है। वैसे सोया चंक्स खा तो हर कोई सकता है, मगर इसे आज के समय में बॉडी बिल्डिंग करने वाले युवाओं द्वारा सबसे अधिक पसंद किया जा रहा है, क्योंकि यह सस्ते में उनके शरीर की प्रोटीन की जरूरत को पूरा कर देता है। नंबर 8, आलमंड्स। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि बादाम खाने से सिर्फ अकल तेज होती है, तो भाई साहब ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ समय में हुई स्टडी से ये बात सामने आई है कि बादाम एक बेहतरीन प्रोटीन रिच फूड है, क्योंकि इसे खाने से आपके शरीर का फैट लॉस तो होता ही है, साथ ही आपको अच्छा खासा प्रोटीन भी मिलता है, जो लीन मसल बिल्डिंग के लिए काफी जरूरी है। शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो कि अगर आप नियमित रूप से प्रतिदिन करीब 20 से 23 बादाम खाते हैं, तभी आपके शरीर को 7 ग्राम प्रोटीन देने के साथ साथ आपके स्वस्थ वजन को भी बनाए रखता है। और तो और, बादाम में पाए जाने वाले विटामिन ई, मैग्नीशियम और फाइटोकेमिकल्स के कारण आपके शरीर में फैट की वापसी की संभावना बेहद कम हो जाती है, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स डाइजेशन के दौरान होने वाले ब्लड ग्लूकोज फ्लक्चुएशन को रोकते हैं। नंबर 7, बीन्स। जब बात बीन्स की आती है, तब इनको न सिर्फ हमारे दिल के लिए लाभदायक माना जाता है, बल्कि इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और मिनरल्स हमारे दिमाग और मसल्स के लिए भी लाभदायक होते हैं। दोस्तों, ये बात तो है कि बहुत ही धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, जिस वजह से इन्हें खाकर कई सारे वेट लॉस एक्सरसाइज कर लेने के बाद भी आपको कोई नुकसान नहीं होता। बता दें कि बीन्स की एक कप सर्विंग में आपको लगभग 16 ग्राम प्रोटीन तो मिलता ही है, साथ ही भारी मात्रा में थायमीन भी मिलता है, जो कि एक ऐसा विटामिन है जो न सिर्फ आपके शरीर में मौजूद कार्ब्स को मेटाबोलाइज करने में मदद करता है, बल्कि इससे आपके शरीर का फैट लॉस भी होता है। मतलब एक चीज से एक साथ दो फायदे। नंबर 6, मिल्क। दोस्तों, जब मिल्क यानी दूध की बात हो रही है, तो कुछ भी बताने से पहले मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ मैंने गाय के दूध की बात की है। दरअसल गाय के दूध को हमेशा से ही हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा लाभदायक माना जाता है, और ये सही भी है, क्योंकि इससे न सिर्फ हमारे शरीर की प्रोटीन की आवश्यकता पूरी होती है, बल्कि इससे हम भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस और राइबोफ्लेविन भी मिलता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो रोजाना एक कप गाय का दूध पीते हैं, तब आपको ये जान लेना चाहिए कि ऐसा करने से हमें 159 कैलोरीज और करीब 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो कि लीन मसल बिल्डिंग के लिए काफी ज्यादा सहायक है। नंबर 5, लेंटिल्स। भारत के घरों में बहुत ही कम दिन ऐसे गुजरते हैं जब खाने में दाल ना बनी हो। वैसे तो दालें कई प्रकार की होती हैं, और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि हर दाल ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए अच्छी है, बल्कि इनसे हमें प्रोटीन भी मिलता है। जानकार सलाह देते हैं कि हमें दालों को मिक्स करके खाना चाहिए, क्योंकि मिक्स करने पर भी ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बनती हैं। हम सभी को एक सर्विंग में कम से कम 100 ग्राम दालों का सेवन करना चाहिए, जो कि फूल कर दोगुनी हो जाती है, जिनसे हमें 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। खैर, इसके साथ 40 ग्राम कार्ब्स भी मिलते हैं, पर अगर रोटी और चावल को दालों के साथ कंज्यूम ना किया जाए, तब इससे हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। नंबर 4, वाइल्ड राइस। वाइल्ड राइस को असल में पूरी तरह से चावल की प्रजाति तो नहीं कहा जा सकता, मगर फिर भी इनका नाम वाइल्ड राइस है, जो कि मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका बल्कि चीन में उगाए जाते हैं। ये ग्रेन किसी कैंडी की तरह छी हुई होती है, और इसका स्वाद किसी सब्जी की तरह होता है, जिसमें आपके शरीर की जरूरत के हिसाब से 15-20% जिंक और मैंगनीज पाया जाता है। इतना ही नहीं, इसमें प्रोटीन भी होता है, और इसको 100 ग्राम खाने से आपको करीब 4 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। वैसे तो इसे दूसरे प्रोटीन रिच फूड्स के साथ इंक्लूड किया जाता है, मगर आप चाहो तो रोजाना 200-300 ग्राम वाइल्ड राइस आराम से खा सकते हैं, वो भी एक बार। आज के समय ये वेजिटेरियन लोगों के लिए सबसे अच्छा फूड है,
क्योंकि इसे दाल या किसी सब्जी के साथ खाकर आराम से पेट भरा जा सकता है और इसका सेहत पर कोई खासा नुकसान नहीं होता। नंबर 3, किनोवा। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें चावल खाना जरा भी पसंद नहीं, तो अपने शरीर की प्रोटीन की जरूरत को पूरा करने के लिए किनोवा आपके लिए सबसे बेहतर फूड है। ये एक तरह का अनाज है जिसे दलिया कहते हैं और इसे खाने से आपको न सिर्फ प्रोटीन मिलता है बल्कि ये फाइबर का भी एक बेहतरीन सोर्स है। वैसे इसे खा तो हर कोई सकता है, पर शाकाहारी लोग इसे ज्यादातर कंज्यूम करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि किनोवा के करीब 1 कप में 8 ग्राम प्रोटीन होता है और इसे आप स्टार्ची राइस और पास्ता के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नाश्ते के अलावा खाने के साथ भी खाया जा सकता है। नंबर 2, ब्रोकली। ब्रोकली से हमें विटामिन ए और सी तो मिलता ही है, साथ ही साथ ये प्रोटीन का भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। अगर आप दिन में 1 कप कटी हुई ब्रोकली खाएंगे तब इससे आपको करीब 2.57 ग्राम प्रोटीन मिलेगा और यही वजह है कि आज के समय में बहुत से फिटनेस कॉन्शियस लोग अपनी डाइट में ब्रोकली को जरूर इंक्लूड करते हैं। ब्रोकली की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे आपको प्रोटीन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ ये आपके शरीर को फाइबर और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेगा। इतना ही नहीं, इसे एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कई मिनरल्स भी मौजूद हैं। नंबर 1, पनीर। अब सबसे आखिर में बात करते हैं पनीर की, जिसे प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। मैं यहाँ तेल में तले सब्जी वाले पनीर की बात नहीं कर रहा, बल्कि यहाँ बात हो रही है रॉ पनीर की, जिसे प्रोटीन का वन ऑफ द बेस्ट सोर्स माना जाता है। पनीर को आज से नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता रहा है और इसे उन भोजनों में गिना जाता है जिनमें अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। और यही कारण है कि जब भारत के बहुत से बॉडी बिल्डर जिम से निकलते हैं तब वो पनीर जरूर खाते हैं, क्योंकि उससे उनके 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा है उनके शरीर की प्रोटीन की जरूरत और दूसरा फायदा उनके पैसों की बचत, क्योंकि वाकई में पनीर बहुत सस्ता होता है। अब अगर पनीर की मात्रा की बात करें तो दिन में तो आपको कम से कम 100 ग्राम पनीर खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके शरीर को 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। वैसे जितना फायदा पनीर से, उतना ही फायदा पनीर बनाने के बाद उससे निकले पानी से भी है, क्योंकि उससे पानी से भी बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।